एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3 उसमें से डी कर रहे हैं 1458। आसान क्वेश्चन एकदम, फैक्टर्स निकालेंगे 1458 डिवाइड बाय कर रहा हूँ 2, 2 से डिवाइड किया 729 आया। अब 3 से डिवाइड करता हूँ ऐड करूंगा तो 18 आता है, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ फिर से 3 से करता हूँ ऐड करूंगा तो आ रहा है मेरा, तो अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, इसको 3 से डिवाइड किया मेरा आंसर आया 81, फिर 3 से डिवाइड करता हूँ आंसर आया 27, फिर 3 से डिवाइड किया आंसर आया 9, फिर 3 से डिवाइड किया आंसर आया 3, फिर 3 से डिवाइड किया आंसर आया 1। फैक्टर्स में 3 की तो पेयर्स बन गई, 2 रह गया अकेला, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर्स 1458। फैक्टर्स में 2 मैंने लिखा और 3 की कितनी पेयर्स थी, 3 की 3 पेयर्स, अब 6 बार आया हुआ है, एक पेयर एक पेयर एक पेयर, ये अकेला रह गया। देयरफॉर हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर 1458 बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1458 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ हम लोग इंटू 2 करने वाले हैं, यहाँ पे भी मैंने इंटू 2 लिखा और यहाँ पे भी मैंने इंटू 2 लिखा, दोनों तरफ हमने इंटू 2 कर दिया। मैं दोनों तरफ रूट भी ले लेता हूँ साथ में, तो अब हमारा नंबर कौन सा बनेगा, 2916, और जो संख्या डबल आएगी वो बाहर निकलेगी। 3 का एक पेयर बनी एक बार बाहर निकाला, दूसरी पेयर बनी दूसरे बार बाहर निकाला, तीसरी पेयर बनी तीसरी बार बाहर निकाला, और एक 2 की पेयर बनी 2 को एक बार बाहर निकाला, तो अपना आंसर आ गया 54 अंडर रूट ऑफ 2916 इज 54। बताओ कंफ्यूजन। एक्सरसाइज 2.4 अभी हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, क्वेश्चन अभी हमारा 2.4 का 3, 4 भी बिल्कुल वैसा ही है। अभी पूछा हुआ है कि जो दिया हुआ नंबर है उसको किससे डिवाइड करना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, थोड़ा सा ही फर्क है इसमें से। अब मैं करके दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर E9072, पूछा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बताओ। तो देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं, किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये चेक करना है। तो नंबर है अपना 9072, तो 2 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ, इतना है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया इतना है, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया 567 आया। अब तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा क्या, ऐड करता हूँ कितना आएगा, 5 और 6 11 और 7 18 डिविजिबल बाय 3 है, 3 से डिवाइड करता हूँ 189 है। अब फिर 3 से डिविजिबल है, ऐड करता हूँ तो 18 आ रहा है, फिर 3 से डिवाइड किया 63, फिर 3 से डिवाइड किया 21 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 7 आया, और फिर 7 से डिवाइड किया 1 आया। तो क्या क्या फैक्टर्स मिले, ये 2 की पेयर बन गई, ये और एक 2 की पेयर बनी, एक 3 की पेयर बनी, एक 3, 7 रह गया अकेला। तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख रहा हूँ इनके, 9072 के फैक्टर्स हमने लिखे, 9072 इज इक्वल टू 2 और 3 की दो दो पेयर्स बनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक बचा 7, इसकी दो पेयर 2 की और 3 की दो पेयर, एक 7 बच गया अकेला। तो अब अगर ये क्वेश्चन में बोला होता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग बोलते कि यार एक 7 और चाहिए था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्होंने बोला है किस नंबर से डिवाइड करें,
सेवन डिवाइड भी करना है तो सेवन को ही हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी का प्रॉब्लम हुआ, बाकी तो सब पेयर में जम गए, तो वही आंसर है। मैं आंसर लिख रहा हूँ फिर, देयर फोर वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर बाय सेवन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सात से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तक के जो क्वेश्चन हमने किए उसमें हम लोग क्या करते थे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे, अब दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखो अपने को क्वेश्चन अभी ये है कि इसको किससे डिवाइड करें, ये वाला क्वेश्चन है। तो दोनों तरफ सेवन से मैं डिवाइड कर रहा हूं और फिर मैं दोनों को रूट में डाल देता हूं। अब यहां का सेवन कट गया, देखो अब बाकी सारी संख्या पेयर वाली बन गई। ये दो की एक पेयर, इसको एक बार लिखा और एक पेयर और एक बार लिख लिया, वैसे ये तीन की एक पेयर, इसको एक बार लिखा बाहर, ये और एक तीन की एक पेयर बनी और एक बार लिख लिया। कितना आएगा, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, 9072 को 7 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या आंसर आता है मैं लिख देता हूँ। कितना आएगा कोई बताएगा मुझे, क्या आता है 9072 को 7 से डिवाइड करेंगे तो? क्या है सर? ये डिवीजन, इसका डिवीजन कोई बताएगा कितना आता है? नंबर आगे 1296, ठीक है। बताओ कंफ्यूजन है कुछ बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5 क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी थे, तो हम लोगों को कर मैं उसमें से सी करके दे रहा हूँ, 4, 10 and 16। अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा, छोटे से छोटा नंबर ढूंढो, स्क्वायर नंबर, छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जिसको ये तीनों नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ऐसे छोटे से छोटा स्क्वायर बताओ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताओ, स्क्वायर नहीं, मैंने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 10 and 16, तो क्या निकालेंगे हम लोग, कैसे पता चलेगा? टू सी एम, कितना? एलसीएम। एलसीएम, परफेक्ट, वेरी गुड। हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे ना, हमको इसका फैक्टर नहीं ढूंढना है। मैंने बोला था ऐसा नंबर बताओ जो ये तीनों के टेबल में आएगा सबसे पहले, छोटे से छोटा नंबर बताओ, तो हम लोग एलसीएम निकाला होता हम लोग। एलसीएम इज द नंबर, साधा वाला नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 4, 10, 16, बराबर। तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर होता है एलसीएम। तो अभी क्या बोल रहे हो अभी ना, आपका वीडियो बंद है? 80। ओके 80, अच्छा तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है, सबका ऐसे कर सकते हो कि तीनों का टेबल लिख दिया और जो संख्या सबसे पहले तीनों के टेबल में आ गई वो हो गया एलसीएम, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये वाली मेथड हम लोगों ने स्कूल में पढ़े, वो मेथड में करके दिखा रहा हूं। स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, दो से कर सकता हूं, इसको आएगा 2, इसको आएगा 5, इसको आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 1 2 4, इसको तो कर नहीं सकता तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 आ गया ना, मतलब इसका काम खत्म। फिर 2 से डिवाइड किया, इसको तो नहीं कर सकता, ये ऐसे ही रहेगा, इसको डिवाइड किया 2 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, इसको तो नहीं कर सकता, ऐसे ही रहेगा, इसको किया 1 आया, मतलब इसका भी काम खत्म। अब 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5, तो ये हुआ अपना एलसीएम, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, दिस इज द एलसीएम।
तो देयर फोर एल सी एम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो बराबर बताया आंसर 2 2 4 2 8 2 16 16 5 18। तो 80 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 भी है, 10 भी है, 16 भी है। लेकिन हमको तो सादा नंबर नहीं चाहिए ना, हमको तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सबकी पेयर नहीं है, दो की पेयर है, लेकिन ये 5 अकेला रह गया। तो इसका मतलब और अगर ये 5 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया होता। मतलब अपना ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसको किससे मल्टीप्लाई करे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बताओ, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो अब हम लोग मैं आगे, हाँ बोलो अनिकेत, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई 80 बाय 8 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट 8, गलती से मैंने 8 लिख दिया, किससे किससे लिखूं? बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अपने फैक्टर्स थे यहाँ पे 80 था, और यहाँ पे इसके फैक्टर्स थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी हमने बोला कि भैया इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो दोनों तरफ मैंने इंटू 5 किया, दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, ये बन गया देखो परफेक्ट स्क्वायर 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दो डबल बाहर, ये दो डबल बाहर, ये 5 डबल बाहर, 5 2 10 2 20, तो आ गया आंसर। तो ऐसा कौन सा नंबर है फिर? देयरफॉर दैट स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 400 विच इज डिविजिबल बाय 4 10 एंड 16। सो आंसर मैं लिख रहा हूं, सो दैट स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 400 विच इज which is divisible by 4, 10 and 16. Without confusion? No, sir.